तो भाई ब्लॉग स्टार्ट होने से पहले मैं ना एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ आपको। मेरा ना यहाँ पे भी ये बिंदी हो रखी है, तो पिंपल हो रखा है, तो यहाँ पे मत देखना पूरे ब्लॉग में मेरी शक्ल पे, बाकी देखना ठीक है। इंपॉर्टेंट था तो मैंने कहा पूरे ब्लॉग में चमका मार रही है। मेरे को जिंदगी में लग रहा है मैंने कुछ कर लिया है। स्पेलिंग तो उसकी मिडवाइफ होती है, जैसे बीच की बीवी। दोनों भी बेचारा अलग अलग घूम रहा है, दोनों लड़कियां देख रहा है। मेरी एंगेजमेंट है और भाई फाइनली अब आप लोग लिख सकते हो तुषार भाई फिर से पढ़ने लग गए हैं, क्योंकि आज से ओरिएंटेशन है डीकेएन यूनिवर्सिटी की और नेक्स्ट वीक से हम लोग की क्लासेस है। तो हाँ अभी हम लोग आए डीकेएन यूनिवर्सिटी, ओरिएंटेशन डे एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे। और हाँ, और वानी की भी यूनिवर्सिटी में पता नहीं क्या हो रहा था, ओरिएंटेशन नहीं हो रही थी। नर्सिंग तो पहले शुरू हो जाती है बहुत, लेकिन बाकी कोर्सेज के लिए तो फ्री खाना क्या कर रही थी, फ्री पास्ता खाया और वो ये देख फ्री की चीजें थोड़ी छोड़ती है और जीवा जी का फ्री वाउचर मिला है। और नाइस और बस फ्री का खाना, इसकी क्लास थी, सब कुछ है, क्लास के बाद फ्री खाना मिल रहा भाई, फ्री खाना ठीक है, लोग एंजॉय करके आए। वानी तो एक बार मेरे साथ डीके ना रखी है, नोनू का फर्स्ट टाइम है डीके, तो नोनू अभी भी एडमिशन चेंज करना तो देख लियो। और भाई मैंने पार्किंग स्टार्ट कर दिया ऐप के अंदर, सो इन मन के बाहर तो पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिलती है क्या कर। और देखो चप्पलों में आ गई यूनिवर्सिटी, आ जाए ऐसी जाते हैं छपरी थोड़ी है भाई। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में हम लोग इंडिया में सोचते हैं तैयार शहर होकर जाएंगे, जैसे मैं तो आया हूँ तैयार शहर होकर, नोनू बॉय भी आया, बट यहाँ पे लोग चप्पलों में शॉर्ट्स में हुडीज में ऐसी आ जाते हैं लोग। और ऑब्वियसली भाई तुम पढ़ने आ गए तो तैयार कौन होता है यहाँ। हाँ और क्या, लड़कियाँ थोड़ी पढ़ानी है, लड़के थोड़ी पढ़ाने, आईएएस बना थोड़ा सा, नर्स बना थोड़ा सा, थोड़ा बहुत। क्या कह रही हो, तुम्हारी इतनी खाली मेरी बेटा यहाँ खाली है। अच्छा सड़क पे चल रहे हैं, इधर आ जाओ। एक आया लड़का लड़की थे, तो भाई उसने ना मेरी चप्पल पे पीछे से पैर रख दिया, तो सर मेरी ना मैंने इधर देखा ऐसे, मैंने ना नीचे वाली नहीं पहनी। सुनो ना, तो तुम्हारी चप्पल पे चढ़ गया फिर उससे बड़ी गया, तो गलती हो जाती लोगों से, ऐसे गुस्सा लगा, सॉरी तो बोल। फिर उसे ऐसे डरा ना, फिर उसने शायद बोला था, पर वो आगे चला गया पागल आदमी, कुछ नहीं हो सकता। चप्पल पे चढ़ा, फुट टकरे खाते रहते इधर उधर, ये सीधी नहीं चलती, जैसे हम लोग भी सीधा ऐसे चल रहे होते ना, मेरे को धक्का दे दे के ना घास में धक्का दे देती है, देखो इधर, तो ऐसे धीरे धीरे धक्का देती रहती है। वही मेहंदी की बदबू नहीं आ रही जो नींबू की, कुछ पता नहीं यार। और भाई ये आइकॉनिक हमारी ट्रेन जो खड़ी रहती है डीकेएन में, ट्रैम चलती फिरती नहीं है, उसे शो पीस लगा रखा है, इनको ज्यादा अच्छी लगी, उन्होंने कहा ओह नाइस ट्रैम, विल पार्क इट इन आर यूनिक, बस ठीक। बेटा अभी तुमको खाली लग रही है ना, आगे देखना तुम भरी होगी। और ये नर्सिंग की बिल्डिंग है भाई डीकेएन की, मेरे को डीकेएन में नर्सिंग करनी थी, पर यहाँ पे सीट से खत्म हो गई थी, कोई नहीं दो बार कर लो, अब तो हो गई है, दूसरे साल का भी खत्म होने वाला है, बस इसका 1.5 साल बचा ऑलमोस्ट है ना, यूनिक का 1.5 बचा, मेरा 1 साल बचा। मैंने मिशेल को पता था ना कि मैंने उसका स्पेशल कंसीडरेशन की मेल डाली थी, मेरी एंगेजमेंट है। अरे वानी की ना प्लेसमेंट ना लेट हो रही थी सितंबर में, सारी दुनिया की जून में हो रही थी, इसकी नवंबर में हो रही थी, कहती मेरी ना एंगेजमेंट है मेरे को जल्दी करनी है, कह रहे ठीक है। नहीं तो फिर ना मैंने सोचा भाई अगर वो मेरे को जल्दी में दे देगी, वो दूर की ना दे देगी, मैं उसको हो गया फिर उसका सॉर्टेड। मतलब बहुत बढ़िया भाई, बारिश हो रही है, थोड़ा सा लेंस खराब। भाई यहाँ पे स्काईडाइव मिल रही है $80 ऑफ, मेरे को पैसे देके फड़वानी नहीं है, तो आगे चलो ठीक है वानी। भाई आज बहुत ज्यादा भीड़ है, पूरा पीछे पैक्ड है, सब कुछ भीड़ है, और गाने चल रहे, कॉपीराइट आ जाएगा। तो भाई हमको एक भाई मिला, आपका नाम क्या है? यस रुद्राय। रुद्राय भाई बहुत बड़ा फैन है भाई, मेरे को बहुत खुशी मिलकी, मैं तो वेट कर रहा था मैं वेट कि आज ही आएंगे और ये आ भी गए आज, मेरे को मिल गए। अरे खाली बैठे थे हम दिन में, हमने कहा थोड़ा सा घूम लेते हैं, यूनिक घूम के आते हैं, आज बहुत भीड़ है, बाकी माहौल आज बहुत अच्छा है, और आपसे मिलके और भी अच्छा लग रहा है। अरे अरे थैंक यू भाई। कहाँ से हो आप? लुधियाना पंजाब। कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? नर्सिंग। और अरे सारे नर्सिंग, वो डीकेएन में आराम से आसानी से मिल गई नर्सिंग? हाँ मिल गई आराम से मिल गई। ये तो कह रही थी बड़ी मुश्किल है, कोई ऐसी मुश्किल की बात नहीं है, हो जाते हैं यार हम बॉर्डर पानी को नहीं मिला एडमिशन, पानी को नहीं मिला एडमिशन। इसको भी लो आया, एक और पाजी सानू मिले, ये भी अपना भाई है, सारे ठीक हो भाई? व्लॉग में डालना फिर, हां ये ऐड कर दो, कितने बजे आएगा आज रात को? जल्दी जल्दी करने का ट्राई करूंगा एडिट, ठीक है बट आ जाएगा। जब थी नहीं वहाँ पे, जब थी अब हो रही है पैर रखने, ये तो कुछ भी नहीं है, सुनमन की भीड़ और जो इतना फ्री फूड मिल रहा है, ये तो कुछ भी नहीं दे रहे हमको, तो पास्ता दे रहे हैं, पोटैटो वो दे रहे हैं, ट्विस्ट चीज दे रहे हैं।
क्या मिल रहा है वानी तुम्हारी यूनि में? बहुत सारी चीजें मिल रही है ना इधर देखो बेटा, आइसक्रीम मिल रही है फ्री की और हमको तो जीवा जी का फ्री भी मिल रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ये यूनि की वॉर चलते रहे स्विनबर्न डीकन में, हम दोनों के घर में होती कौन सी अच्छी भाई ज्यादा, पर कोई किसी ने हमको स्पॉन्सर नहीं किया तो फिर हम बोलते नहीं कुछ। भाई आज मेरे को यूनि में कम से कम 50 सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं। वानी बेचारी बोर हो गई, शांत है ना, जैसे आप लोग बोलते वीडियोस में शांत रहती है ना, वैसे भी बड़ी शांत है। तो ये बेचारी दूर जाके खड़े हो जाती है, मैं मेरे पास खड़े जाकर नोनू भी बेचारा अलग अलग घूम रहा है, नोनू लड़कियां देख रहा है। तुमको पता है ये पीछे वाली हमारी बिल्डिंग है फिल्म एंड टेलीविजन की, इधर हवा में नहीं है, पीछे है, पीछे पलट के देखो। ए पलट तो भाई यहाँ पे ना बहुत सारे क्लब्स होते हैं ज्वाइन करने के लिए, बैडमिंटन क्लब हो गया, और कौन सा होता है वानी? नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। मिडवाइफ नहीं, मिडवाइफ, मिडवाइफ नहीं, मिडवाइफ बोलते हैं, मिडवाइफ बोलते हैं, उसको मिडवाइफरी बोलते हैं, मैंने बोला था एक बार अपनी टीचर के आगे, उसने करेक्ट किया था। तो स्पेलिंग तो उसकी मिडवाइफ होती है, जैसे बीच की बीवी, तो होता क्या उसके अंदर? मिडवाइफ जो बच्चे बनाओ, प्रेगनेंट वुमन। अच्छा अच्छा, मेरे को नहीं पता बच्चा, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं। अरे गलत बोल रहे, मतलब जो बेबी को प्यार में वर्ड ही भूल गए, तो वो जो हम वो करते हैं क्या कहते हैं, जो बच्चे पैदा करने में हेल्प करती है ना, जो तो वो ज्यादा सही है कि भाई तुम दोनों बन के हमारे पास दोनों जॉब्स हैं, लेकिन मुझे नहीं करनी थी, पर आप लोग कर सकते हो, अच्छी है। तो उसका यहाँ पे क्लब है, ये कह रहे थे बड़ा। इतने स्टॉल देखे थे तुमने, हम लेट गए थे, दिखाऊं तुम्हें? हम लेट गए थे ना, कहाँ दोनों लड़कियाँ पहले देखना बंद कर, नोनू मजे कर रहा है भाई आजकल, इधर उधर घूम रहा है बस। भाई यहाँ पे देखो डीके एनीमे का भी लगा हुआ है, वानी तुम देखते हो एनीमे? खुद तो कार्टून जैसी है वानी हमारी। तो भाई फाइनली हमने ना छोटा सा ब्रेक लिया यहाँ पे, कॉफी वॉफी पी रहे हैं, ठीक है। ऐसे मैं और नोनू डेट पे आया, हेलो नोनू व्हाट्सअप। अरे वानी भी हमारे साथ, वाओ हेलो वानी। तो भाई हम लोग अभी यहीं बैठे थे, बहुत ज़्यादा ना थक गए थे क्योंकि बहुत सारी फोटो खिंचाली, और आज मेरे को जिंदगी में लग रहा है मैंने कुछ कर लिया है, ठीक है, मैंने मतलब कुछ अचीव कर लिया। कम से कम मेरे साथ लोगों ने 50 से 100 फोटोज खिंचवाई, ऐसे काफी सारे लोग जैसे नॉर्मल लाइफ में मिलते रहते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं, बट मैं इतना दिखाता नहीं, ठीक है, इतना ज़्यादा मैं शो नहीं करता कोई फोटो वोटो, मतलब ये थोड़ी भाई ब्लॉग कर लूँ ऐसे करके, वो नहीं करता मैं चीज़। अभी जैसे आज हुआ ना, ऐसा लग रहा है मैंने कुछ अचीव कर लिया जिंदगी के अंदर, और थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच। काफ़ी लोग बोलते हैं हम आपकी वीडियो देख के मेलबर्न आए, भाई मतलब इट मीन्स अ लॉट टू मी लिटरली, है ना वानी? हाँ है ना, हंस क्यों रहा तू? हे ब्रो थैंक यू, हाउ आर यू? क्या कह रहे मानी, कैसा लग रहा? लग रहा ना कुछ मैंने अचीव किया जिंदगी में? तो भाई कैसी लगी ओरिएंटेशन? अरे रुक जा, मेरे बाल खराब हो रखे हैं सारे। हाँ कैसी लगी बॉयज एंड गर्ल्स ओरिएंटेशन? हमारी बढ़िया है, लेकिन स्विमिंग वालों की बट वहाँ दो स्टॉल थे, मतलब वहाँ पे बहुत, देखो ऑनेस्टली मैं बताऊँ, अगर हम यूनिवर्सिटी पहले दिन गए होते ना स्विमिंग, तो ज्यादा चीजें होती, ज्यादा चीजें हम लोग एक्सप्लोर। इन्होंने तो कुछ दिखाया नहीं, आज हम गए ना जब मेरी अभी क्लास थी, भाई पैर रखने की जगह नहीं है स्विमिंग में, इतनी भीड़ है और इतना कुछ फ्री फूड। हाँ अच्छा था बट कम्पेरेटिवली स्विमिंग ज्यादा अच्छा है। तो भाई सही है, अभी हम लोग घर चलते हैं। तो भाई अभी हम लोग घर आ गए थे, ठीक है, एंड हम लोग क्या बना रहे, देखो पास्ता बना रहे भाई, मस्त बैड नाइस। और भाई हमारा शेफ कौन है एज यूजुअल? मिस्टर वानी केम। यो वानी बेटा रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो? प्याज प्याज रुला रहा वानी बेटा। भाई थैंक यू, ये मैं कुछ बोल रहा था फिर। हाँ थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग, बहुत अच्छा लगा आज काफी सारे लोगों से मिले यूनिवर्सिटी के अंदर। एंड अगर आप लोगों को वीडियो इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, गुजारिश करिए सब्सक्राइब कर देना, हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं बहुत मिलते हैं बड़ा। बंद कर दो, नहीं रहने दो, मैं वहाँ से गाड़ी आ गई। और अगर ये गिर गया ना हवा से, जो बारिश हो रही है। मैंने यहाँ पे मैं इस डंडे पे कैमरा रख के ये शॉट लेने वाला था, बट वानी यदि कैमरा गिर जाएगा तो चलो।